नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बाराबंकी से। सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र में कुमरावा गांव में सीमा पंत नगर की 3 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम ने नई सीम उन्नति प्रजाति की मेथा फसल की जड़ों का निरीक्षण किया। टीम ने क्षेत्रीय किसानों से मैप से जुड़कर नई नई तकनीकी विधियों से खेती करने के तरीके सीखने की अपील की, जिसके लिए संगोष्ठी में उन्होंने 15 दिवसीय किसान मेले के बारे में उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन प्रगतिशील किसान व पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक रामनाथ वर्मा ने किया। सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र के कुमरावा गांव निवासी प्रगतिशील किसान कमल सिंह पटेल के द्वारा इसी वर्ष 7 फरवरी 2020 को उत्तराखंड प्रांत के केंद्रीय औषधीय व संगंध पौध संस्थान से मेथा किसान के रूप में चयन किया गया, जिससे संस्थान ने उन्हें मेथा फसल की नई प्रजाति सिम उन्नति में बीज खेती करने का तरीका बताया। प्रगतिशील किसान के द्वारा बीते वर्ष मेथा फसल में अच्छी पैदावार कर संस्थान के विशेषज्ञों को प्रमाण दिया, जिसे संस्थान के 3 सदस्यीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर ऋषिकेश व डॉक्टर की टीम शुक्रवार को गांव पहुंचकर उनकी मेथा फसल की जानकारी लेते हुए किसानों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर बीआर सिंह व ऋषिकेश सिंह उन्नत प्रजाति की खूबियां गिनाई। जिसमें वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 70 दशक के बाद मेथा की खेती प्रदेश के सुल्तानपुरी इलाके में हुई, जहां पर रिचर्डसन कंपनी के द्वारा तेल उत्पादन किया गया। किसानों की डिमांड पर मेथा कई प्रजातियां विकसित हुई। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि अनुसंधान केंद्र से प्रमाणित मेथा ऑयल की किस्मों में कोसी क्रांति, सरयू व सिम उन्नति प्रमुख है। इसी के साथ ही 3 सदस्य वैज्ञानिकों की टीम में कमल सिंह पटेल की फसल का निरीक्षण कर उनकी मेहनत को सराहा है। इस अवसर पर सिद्धौर ब्लॉक प्रमुख रमेश चंद्र वर्मा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ला, सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि रामचंद्र तीरथ राम वर्मा, तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट।